नमस्कार, मैं हूँ अनीस कुमार सिंह। तो स्टडी टू स्वैग में फिर से आज जुड़ चुके हैं नए टॉपिक पे, नए बिंदु को लेकर। नाउ पाकिस्तान की फिर से हुई इस बार बेइज्जती न्यू इंडिपेंडेंट डे पे। तो देखिए ये कैसे हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है दुबई। यहाँ पे ये दुबई है जो अभी टूरिस्टिज्म के लिए ज़्यादा माना जाता है। यहाँ बुर्ज खलीफा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से कई विदेशी लोग आते हैं। आज तो दुबई चल रहा है, ये टूरिज्म के साथ ही चल रहा है। अगर टूरिज्म आना बंद कर दे तो वहाँ की अभी जो बजट है, लागत वो गिर जाएगी। पर टूरिज्म चाहता है कि मैं भी जाऊँ, मैं भी देखूँ। अगर मुझे भी मौका मिलता तो मैं भी ज़रूर जाऊँगा दुबई को देखने के लिए, बुर्ज खलीफा को। तो इसी बुर्ज खलीफा में बात करने वाले हैं कि कैसे हुई पाकिस्तान की बेइज्जती और कैसे हुई पाकिस्तान की ऐसी घटना। तो चलिए दिखाते हैं। ये है बुर्ज खलीफा और इस पे 14 अगस्त को 77 इंडिपेंडेंट डे पाकिस्तान की तिरंगा को नहीं लहराया गया। सभी लोग जो वहाँ पाकिस्तान के लोग थे, जो दुबई में काम करते थे, वर्कर्स थे, वो एक जगह इकट्ठा हुए बुर्ज खलीफा के चारों तरफ कि चलो हम लोग देखेंगे क्या हम लोग का अभी तिरंगा लहराया जाएगा, पाकिस्तान का तिरंगा लहराया जाएगा। तो 12:01 हो गया पर वहाँ कोई झंडा नहीं लहराया गया। तो इसी को देखते वहाँ के कुछ एक महिला सज्जन थी पाकिस्तान के, उन्होंने खुद अपना वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में डाला है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा, ये औकात रहेगी हमारी। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। सो सैड, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों, गजब बेइज्जती है। तो देखिए, तो इस वीडियो में देखकर आपको पता चल गया कि इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि हमारी औकात अब इससे ज़्यादा नहीं रही है, पाकिस्तान की औकात मतलब इससे ज़्यादा नहीं रही है, उसकी औकात उतनी ही रह गई है। अब देखिए ये तो अब कैसी घटना थी है मुझे नहीं पता, पर नहीं दिखाया गया, ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा पे चल रहा है। और देखिए इसी कंट्रोवर्सी के साथ ना कुछ दिन बहुत मतलब दिक्कत कंट्रोवर्सी होने लगी कि हमारी झंडा क्यों नहीं दिखाया गया, हम लोगों को क्या ले हम लोगों से क्या दुश्मनी थी। पर यहाँ पे जो दुबई के शेख थे उन्होंने कहा कि ऐसा ट्वीट करके कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे गलती हो गई थी थोड़ा सा, तो हम लोगों ने फिर से दिखा देते हैं। तो वहाँ पे फिर से दिखाया दिया गया। पर यहाँ पे सबसे हंसी की बात ये देखने को मिल रही है कि जो दिखाया गया है वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा है 76 इंडिपेंडेंस डे है, मतलब यार यहाँ पे देखो पाकिस्तान का जो है अगले साल का ही दिखा दिया गया। मतलब फिर वहाँ पे बोला गया कि दुबई तरफ से बोला गया कि नहीं ये मिसप्रिंट हो गया। अब क्या था क्या नहीं था पता नहीं, शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगले साल का ही दिखा दिया गया और जल्दीबाजी में। चलो यार यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो और उसकी थोड़ा बेइज्जती हो गई, पर कोई ना, ये कंट्रोवर्सी थोड़ा शांत हो गई है, अब ये ज़्यादा चर्चे पे नहीं चल रही है। बट मैं आपको दिखाना चाह रहा होता हूँ कि पाकिस्तान का खुद बेइज्जती कैसे की जाती है, उन लोगों को खुद बेइज्जती खुद ही कर लेते हैं। और यहीं पर इंडिया के देखिए 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और अभी ये 77 इंडिपेंडेंस डे चल रहा, और हमें दिखाना चाहता हूँ। देखिए पाकिस्तान को उतना तो फहराया नहीं गया, लेकिन इंडिया का हर जगह झंडा फहराया गया, बुर्ज खलीफा पे दिखाया गया, यूएसए, अमेरिका, रशिया, सब जगह, फ्रांस, ऐसे कई देशों में हमारा झंडा को लहराया गया, एलईडी स्क्रीन पे दिखाया गया। तो इंडिया का ऐसा गर्व की बात है जो हमारे देश की झंडा हर देश में लहराया जाता है, इस दिन थोड़ा सा खुशी के पर्व को मनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा दिया, ऐसा ऐसा अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो मेरा ये कोई मतलब नहीं था कि ये वीडियो बनाने का कि मैं पाकिस्तान का कुछ इंसल्ट कर रहा हूँ, कि मैं उनके कुछ नज़रअंदाज दूसरे भावना से देख रहा हूँ, ये मुझे आप लोगों तक दिखाना था कि ऐसा अभी हो गया। चाहे पता नहीं ये अगला साल होगा कि नहीं होगा, शायद उम्मीद हो भी सकता है क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ। बाय बाय।